गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जिहड़ा अपना टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी। सब तो पहला आपां की करांगे मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की हुंदा? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन होएगा? जो पर्सन हु पर्सन गुड्स या कोई भी जिहड़ी चीज़ है जिसकी इंश्योरेंस हो रही है उसनों की कहते हैं इंश्योर्ड। इंश्योरर हुंदा जिहड़ी भी कंपनी इंश्योरेंस कर रही है उसनों की कहा जाता है इंश्योरर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिहड़ी है दो पार्टीज के विच हुंदा है, उस कॉन्ट्रैक्ट नूं की कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरर कहा जाता है। हुण इहदे विच एक दो वर्ड्स आ जाते हैं इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, जिन्हां नूं मोस्टली की सेम टर्म्स के ट्रीट किया जाता है, बट इन्हां दे विच कुछ टैक्निकल डिफरेंस है। इंश्योरेंस की हुंदा? इंश्योरेंस उदों अप्लाई हुंदा है जदों कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है दो पार्टीज़ दे विच, किस रिलेटेड कि इन केस अगर कोई ईवेंट जिहड़ा भी है वो सर्टेन ईवेंट हैपन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस करवाई जाती है किसी भी बिल्डिंग की या कोई गुड्स की, अगर वो गुड्स नू फायर दे थ्रू गुड्स नुकसान हो जाता है लॉस हो जाती है, तो उस टाइम पीरियड दे विच इंश्योरेंस कंपनी वो जिहड़े पर्सन है वो बिजनेसमैन नू की देगी वो लॉस की कॉम्पनसेशन दिंदी है। तो जदों कोई सर्टेन ईवेंट दे हैपन होने पर कॉम्पनसेशन दी जाती है उसनों उदों असी केड़ी टर्म यूज़ करांगे? इंश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब की हुंदा? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जदों गरंटी दी जाती है पेमेंट की कि अगर ये स्पेसिफिक ईवेंट हो गया उस टाइम के असी गरंटी दें कि तुहानूं पेमेंट की जाएगी, वह होंदी है अश्योरेंस। ठीक है, तो जिवें कि किसी पर्सन की हो जाती है जिवें डैथ हो जाती है कि अगर ये पर्सन की डैथ होगी उस टाइम के उत्ते असी तुहानूं इन्नी उहदी जदों जिहड़ी पेमेंट मिलती है वह की हो जाती है अश्योरेंस। तां इंश्योरेंस का मतलब की होएगा कि जदों पेमेंट की जाती है तुहानूं एक कॉन्ट्रैक्ट हुंदा है जिहदे विच कॉन्ट्रैक्ट दे विच लिखा जाता है कि अगर ये पेमेंट हो अगर ये ईवेंट हो गया तो यह अनसर्टेनिटी होगी उस टाइम पीरियड के असी तुहानूं पेमेंट करांगे कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो वो जिहड़ी अमाउंट है एज अ कॉम्पनसेशन मिलती है उसनूं की कहा जाता है इंश्योरेंस कहा जाता है। क्लीयर? हुण इंश्योरेंस दे विच असी यही टर्म्स करते पए सी कि हुण जदों असी इंश्योरेंस करते हाँ तो उस टाइम पीरियड के कुछ प्रिंसीपल्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट प्रिंसीपल इज अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब की हुंदा कि जदों भी ये पॉलिसी की जाती है जदों भी ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस टाइम पीरियड के वट एवर द टर्म्स एंड कंडीशनस जिन्हों के उत्ते साइन किया या वट एवर इनफोरमेशन यू हैड गिवन टू द कंपनी दैट इज़ ट्रू। उहदे विच की तुसीं जिहड़ी भी इनफोरमेशन सही दित्ती है, यह नहीं है कि कोई जिहड़ा सबजैक्ट मैटर है या कोई इनफोरमेशन है तुसीं हाइड की है। ठीक है, सैकेंड ये आ जाता है कि इंश्योरेबल इंट्रस्ट। इंश्योरेबल इंट्रस्ट का मतलब की हुंदा कि जिहड़ा इंश्योर्ड परसन है जिहदी इंश्योरेंस हो रही है उसका उसना कुछ ना किसी तरीके का कोई उन्होंने बेनीफिट मिलेगा, चाहे वह बेनीफिट ऑफ लॉ सेफ्टी होवे, लाइक अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाने तो उहदी सेफ्टी है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग की है भी उहदे सेफ पॉइंट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के उत्ते यह इंश्योरेंस की जाती है। क्लीयर टर्म्स? हूँ अपना की टॉपिक आप कर रहे थे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के असी ये टर्म की कि इंश्योरेंस का मीनिंग की है, इंश्योरेंस के अश्योरेंस के डिफरेंस की है, तो प्रिंसीपल्स की ने। हूँ जदों भी यह इंश्योरेंस की जाती है कि जो परचेजर है इंश्योर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का वह की करता इनिशियल पेमेंट करता है। इनिशियल पेमेंट के या असं की कर सकते इंश्योरेंस कंपनी को कुछ एडवांस के कोई डिपोजिट जमा करवाता है जिसनों असं की कहें कि साड़ी जी डाउन पेमेंट पॉलिसी स्टार्ट हो गई है वो इनिशियल पेमेंट हो जाती है। जदों इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो देखते हैं कि पेमेंट जी अमाउंट है उस तो बाद जो रेगूलरली पेमेंट करते हैं उसनों असी वो टर्म की यूज़ की जाती है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हूँ जी इंश्योरेंस है जी एज पर योर सिलेबस टू टाइप की है, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस। क्लीयर? लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बेटा की होंगी है? लाइफ इंश्योरेंस मीनस द बिजनेस ऑफ अफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंपॉन ह्यूमन लाइफ, कि जो किसी ह्यूमन की किसी परसन की लाइफ रिलेटिड जी इंश्योरेंस की जाती है उसनों की कहा जाता है लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के किए जाते एक मनी अश्योर्ड की जाती है कि किसी परसन की अगर डैथ हो जाती है या हैपनिंग ऑफ सर्टिन कॉन्टीजेंसी अगर किसी तरीके की कोई नुकसान हो जाता उसकी जान को, ठीक है, उस तरीके की अगर कोई उन्होंने री जी अमाउंट है पेमेंट करनी
कंपनी वालों पेमेंट की जाती है, तो वह जी इंश्योरेंस होगी वह की होगी लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस की है कि जदों कॉन्ट्रैक्ट किया जाता इंश्योरेंस कंपनी द्वारा तो कि इंश्योर्ड परसन ना किस रिलेटिड कि ह्यूमन राइट कि मेन जो सबजैक्ट मैटर की है दैट इज ह्यूमन लाइफ है कि ह्यूमन लाइफ रिलेटिड जो रिस्क है उसनों रिकवर उसनों कवर किया जाता है। सैकेंड पार्ट इज योर जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के होंगे इट इज़ द इंश्योरेंस अदर दैन लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के टर्म्स आ जाए ने कि लाइफ इंश्योरेंस तो इलावा जिन्नी भी टाइप द इंश्योरेंस है दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन द जनरल इंश्योरेंस। ये फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, गुड्स इन ट्रांजिट इंश्योरेंस, कॉन्सिक्वेंसल लॉस इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस, ठीक है, थर्ड पार्टी रिस्क इंश्योरेंस, इदा नंबर ऑफ इंश्योरेंस ने जिड़िया कि जनरल इंश्योरेंस के इंक्लूड ने। क्लीयर। इंडिया के जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है ये नैशनलाइज कदों की होया गया सी बाय पासिंग द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 वालों एक जो रूल पास किया गया उस तो बाद जनरल इंश्योरेंस नैशनलाइज लैवल उत्ते नैशनल लैवल उत्ते स्टार्ट किया गया सी। क्लीयर है। हुण जिहड़ी इंश्योरेंस हुंदी है ये इंश्योरेंस किहदा वालों की जाती है ये जी अथॉरिटी है दैट इज़ IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने वालों ये सारी ये अंडर आ जाती है। हूँ आप अगर टाइप्स करते हैं जी की है अपनी फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की होती है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, पहला आप करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के आ जाता लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के जो टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आ जाती ने किमें कि जो लाइफ इंश्योरेंस के टू टाइप्स ऑफ पॉलिसी होंगी एक होंगी लाइफ पॉलिसी दूसरी होंगी एनिटी पॉलिसी। लाइफ पॉलिसी के होंगे इन दो टाइप के फर्दर डिवाइड किया गया होल लाइफ पॉलिसी तो इंडोरमेंट पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी कि ये की होंगे कि जी इंश्योर्ड है या जी पॉलिसी अमाउंट है वह किनू पे की जाती है बेनीफिशरी, ठीक है, जिमें कि किसी परसन की डैथ होगी तो वो जो लीगल हायरर ने जो वारिस है या जिन्हें नाम के उत्ते उन्होंने एज जिसनों एज अ नॉमिनी शो किया गया है तो उस परसन वो की होगी जी अमाउंट है इंश्योरेंस की वो की जाएगी पे की जाएगी यह डैथ केसिस दे विच हुंदी है। एनिटी पॉलिसी के होंगे कि जी इंश्योरेंस पॉलिसी की करती है इंश्योरेंस कंपनी की करती है एग्री कर जाती कि असं अमाउंट पे करांगे ईयर किस तरीके ना ईयर बाय ईयर पर ईयर के पे किया जाता है कि जो कि होंगे एक तरीके की लाइफ टाइम रिटर्न होंगी है लमसम अमाउंट भी पे की जाती है एडवांस के, ठीक है, तो उन्होंने की कहें एनुअली पॉलिसी किया जाता है कि जो टाइम पीरियड खत्म हो गया पॉलिसी खत्म होगी उस तो बाद एनुअली कुछ अमाउंट उन्होंने की कीती जाती है रिटर्न की जाती है पेमेंट की जाती है वो कि हो जाती है एनुअली पॉलिसी। हुण इस कुछ अमाउंट जिहड़ियां टर्म्स इंपोर्टेंट टर्म्स किहड़ियां ने फर्स्ट इज़ प्रीमियम। प्रीमियम की होंगी है कि जिहड़ी इंश्योर्ड परसन है उहदे द्वारा इंश्योरेंस नूं इंश्योरर नूं या इंश्योरेंस कंपनी नूं एक जिहड़ी सर्टेन अमाउंट है पे की जाती है रेगूलरली, ठीक है, उसनूं अमाउंट नूं की किया जाता है प्रीमियम किया जाता है, ठीक है, जिवें 5 साल की पॉलिसी करवाई है ईयरली पॉलिसी है तो एक एक साल बाद जिहड़ा तुसीं अमाउंट पे करते पे हो दैट इज़ प्रीमियम, ठीक है। उस तो बाद क्लेम। क्लेम का मतलब की होंगे क्लेम रैफर टू अमाउंट विच एन इंश्योरर पे अगेंस्ट अ पॉलिसी कि जो पॉलिसी के अगेंस्ट इंश्योरर जी इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने जिन्ना उन्होंने लॉस हो बदले जो अमाउंट पे करती पी है लाइक अगर उन्होंने 5 लाख की पॉलिसी करवाई सी उन्होंने 5 लाख मिल रहा है घट मिल रहा चाहे 4.5 लाख मिल रहा या 5.5 लाख मिल रहा डिपेंड अपॉन द पॉलिसी कंडीशन तो जिन्ना वो अमाउंट उन्होंने जिस बेसिस उत्ते पे कि पॉलिसी अगेंस्ट पे किया जाएगा उसनों की किया जाता है क्लेम किया जाता है। क्लीयर। नैक्सट इज सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू की होंगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के एक ऐसी अमाउंट है वेयर विच द इंश्योरर इज़ रेडी टू पे एट द पर्टिकुलर टाइम इन टोटल डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वह रेडी हो जाती है पे करने लिए कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो बाद जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो बाद असं इन्नी अमाउंट पे करांगे तो वह अमाउंट की हो जाती है सरेंडर वैल्यू, ठीक है। ये उन्होंने जो परसन है इंश्योर्ड परसन उन्होंने प्रीमियम एक्चुअल पे किया होंगे, ठीक है, या प्रीमियम पे करना है पर दो एटलीस्ट टू नैक्सट जो कंजेकटिव ईयरस है वो ही ये पेमेंट होनी जरूरी है, ठीक है। क्लीयर।
री इंश्योरेंस दे विच की आ जाता है कि अगर कोई पर्सन है उन्हें इंश्योरेंस करवाई हुई है, लार्ज अमाउंट की इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो हुण वो इंश्योरेंस की करते पे है कि अगर वो पॉलिसी खत्म हो रही है, उन्होंने री इंश्योरेंस करवानी है, तो उस नाल की होएगा कि उस टर्म में असं की कहेंगे री इंश्योरेंस, मतलब कि उन्हें इंश्योरेंस तो करवाई हुई है, नाल ही किसी होर कंपनी तो भी इंश्योरेंस करवा ली, तो उन्होंने की कहेंगे री इंश्योरेंस कहा जाएगा। क्लियर है कॉन्सैप्ट कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के इंपॉर्टेंट टर्म्स कि आ जाए ने। क्लीयर। हूँ आप अगे टॉपिक करिए अपना जनरल इंश्योरेंस। आप जनरल इंश्योरेंस के टाइप्स करते पे कि जनरल इंश्योरेंस जी होंगी है कि ज लाइफ इंश्योरेंस तो इलावा जिन्हें भी टाइप ऑफ इंश्योरेंस होंगे ने, दैट ऑल इंश्योरेंसिज आर नोन आर कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस, उन्होंने जनरल इंश्योरेंस कहा जाता है। हूँ जनरल इंश्योरेंस की जी फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज़ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की होंगी है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इन विच द इंश्योरर अंडरटेक टू कॉम्पनसेट द इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस इनकर्ड ड्यू टू हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्व। एद कि एक जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इंश्योरेंस किया गया है, इंश्योरेंस की गई है, किस रिलेटेड इंश्योरेंस की गई है कि अगर जो इंश्योरर है वो कॉम्पनसेट करेगा किस लॉस रिलेटेड, अगर उस जी जिथे जिस बिल्डिंग की जिस गुड्स या जिस भी चीज़ की तुसी फायर इंश्योरेंस करवाई है, अगर वह लॉस हो जाता, डैमेज हो जाता ड्यू टू फायर, तो वो जी इंश्योरेंस है अगर उस टाइम के उ हैपन होंगी है, तो वो जी जिनी भी अमाउंट की तुसी वो इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है वो अमाउंट अकॉर्डिंग टू डैमेज सानू रिटर्न की जाएगी, थोड़ा रीपे की जाएगी। नेक्स्ट इज मरीन इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस के होंगे कि जिम्मे सम जड़ियाँ गुड्स ने वो बाय कारगो, ठीक है, की कर दें गुड्स अगर एक प्लेस तो दूसरी जगह के उत्ते ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो जाए ने, तो अगर वो गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होंगी है, या जरूरी नहीं कि गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा ही हो, उस अकॉर्डिंग की होंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन जड़ियाँ गुड्स गुड्स बाय ट्रांसपोर्ट थ्रू किस एक प्लेस तो दूसरी जगह जा रही ने, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का असी इंश्योरेंस करवाने हैं, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो गुड्स बाय ट्रांसपोर्ट बाय किसी भी रूट के थ्रू अगर गुड्स एक जगह तो दूसरी जगह जा रही हैं, तो गुड्स का किसी तरीके का नुकसान ना हो, अगर इनकेस अगर नुकसान हो भी जाए तो वो अमाउंट रिकवर हो जाए, तो उदो जी इंश्योरेंस करवाई जाती है उसको की किया जाता है मरीन इंश्योरेंस। तो जो गुड्स है प्रोटेक्ट बाय जो गुड्स है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है बाय मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। हूँ री इंश्योरेंस का कॉन्सैप्ट मैं थोड़ा पहले ही करवा चुकी हूँ कि री इंश्योरेंस की होंगी है, ठीक है। हूँ जो एक टर्म आ जाती है जो असं ये टर्म्स करते हैं, इस तो पहला मैं थोड़ा एक टर्म करवा कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट के जोड़े की टर्म्स जो प्रीमियम है वो सेम जो लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम है सेम उ डेफिनेशनस ने उही मीनिंग एदा के अंडर भी आएगा, ठीक है। क्लेम का मतलब सेम उही टर्म्स आ जाए ने। हुण इहदे विच जिहड़ियां प्रोविजन्स ने फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, कि समटाइम्स की हो जाता है कि इहदा मतलब कि इट इज़ अ प्रोविजन क्रिएटेड टू मीट द क्लेम विच मे अराइज इन रिस्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज विच रिमेन अनएक्सपायर्ड एट द एंड ऑफ ईयर, कि ये एक प्रोविजन क्रिएट की जाती है कि तुम जो क्लेम है वो रिसीव कर सकते हो कदों कि अगर जो पॉलिसी है वो ईयर क्लोज हो गया पर हजे एक्सपायर्ड नहीं हुई हैगी, तो उस टाइम पीरियड के प्रीमियम होंगे मरीन इंश्योरेंस 100% तो फायर इंश्योरेंस 50% तक जो अनएक्सपायर्ड जो रिस्क है वह यदि प्रोविजनस ने उस टाइम पीरियड के जो कंपनियां उन्होंने अपने को रिजर्व मेनटेन करके रखना होंगे है हायर परसेंटेज के, अगर वो एक्सैस अमाउंट के रिजर्व मेनटेन करके रखते हैं तो उसको असं कि अंडर कवर करांगे एडिशनल रिजर्व के। हुण जदों भी असं अकाउंट मेनटेन करते हैं जो हूँ यह तो असं इंश्योरेंस कंपनीज की होंगे ने, हूँ इंश्योरेंस कंपनीज के जो असं ये अकाउंट मेनटेन करते हैं, तो जो ये अकाउंट मेनटेन करते हैं यह एक तो रेवेन्यू अकाउंट क्रिएट किया जाता है, तो एक यदि स्टेटमेंट कि बनती है बैलेंस शीट की, ओके। तो ये की आ जाता है कि जो रेवेन्यू अकाउंट क्रिएट किया जाता है तो बैलेंस शीट का यदा फॉरमेट जो है थोड़ा डिस इतने स्क्रीन के उत्ते देख ही रहे हो कि ये स्कड्यूल्स होंगे ने वन टू थ्री फोर करके जेडे कि अलग अलग थोड़ा ये जरा फॉरमेट है, जिमें फस्ट फस्ट वन की है पर्टिकुलर्स ने जिमें प्रीमियम किन्ना अर्न किया गया, किन्नी इनकम रिसीव हुई है, किन्ना क्लेम किया गया, किन्ना कमीशन दिता, किन्ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ने, यह सारे स्कड्यूल्स अंडर आते हैं जिन्हें अंडर ये प्रॉपर रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशन आते हैं, ये रेवेन्यू अकाउंट का फॉरमेट है।
ਚਾਹੀਦੇ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਮਰੀਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮੈਟ ਸਕਿਡਿਊਲਸ ਦੇ ਸ਼ੂ ਥਰੂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਫੰਡਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਕੈਡਿਊਲ 5 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਨ ਸਰਪਲਸਿਸ ਹੈ ਸਕੈਡਿਊਲ 6 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ ਬੋਰੋਵਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਨੀ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਕੈਡਿਊਲ 7 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਸਕੈਡਿਊਲਸ ਨੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ 13-14 ਸਕੈਡਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫਾਰਮੈਟ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ